ये जो भी ईवीएम के बारे में जो सवाल उठा रहे हैं उसमें विभिन्न फोरम में इसको जवाब दिया गया। भारत निर्वाचन आयोग ने पूरा सबको आमंत्रित करके उनको समझा दिया गया। ये 30 साल से चल रहा है ईवीएम के बारे में। हमारे वैज्ञानिकों ने इसको बहुत अच्छी मशीन डेवलप किया, जो हार्डवेयर मशीन है, किसी भी हालत में किसी भी ढंग से उसको जो है छेड़छाड़ करना, हैक करना, रिमोट से कंट्रोल करना संभव नहीं है उसको। तो ये पूरी बहुत स्पष्ट रूप से समझा दिया गया उसको। और लेकिन अभी विभिन्न कारणों से और एक एक्स्ट्रा जो सुविधा के लिए वीपैट 100% लॉन्च किया गया है। और ये भी सबको जानकारी होनी चाहिए कि जिन प्रदेशों में वीपैट इस्तेमाल किया गया है, गुजरात है, हिमाचल प्रदेश है, कर्नाटक है, वीवीपैट का जो मतपर्चियों का जो रिजल्ट गिनने से जो रिजल्ट है, ईवीएम का रिजल्ट है 100% मैच कर गया। उससे पहले भी बहुत बार इसको देखा गया। इसको सर वोटिंग से पहले प्रचार प्रसार और प्रचार का सारी चीज़ें बंद हो जाती हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे चलता रहता है कहीं ना कहीं। तो सोशल मीडिया पर पाबंदी लगाने के लिए क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन? हम लोग जो है इसको भारत में हमारे जो CEO ऑफिस में भी सारी मीडिया में किस तरह की खबर चल रहा है, सोशल मीडिया में हो या जो प्रिंट मीडिया में हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इन सबको देखने के लिए हम लोग जो है मीडिया कवरेज का जो कंट्रोल और मॉनिटरिंग के लिए एक MCMC की कमेटी बनाई जाती है। और उसी तरह के जिला स्तर पे भी ये कमेटी बनाई जाती है। इन सभी चीज़ों को ये रेगुलरली मॉनिटरिंग करते रहते हैं। कोई ऐसे किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में तो नहीं हो रहा है, या इस तरह कोई नफरत फैलाने वाली चीज़ें तो कोई नहीं डाल रहा है उसमें, तो इन सब के ऊपर निगरानी रखा जाएगा। इस बार शायद उसमें भारत निर्वाचन आयोग की तरफ से भी और हमारे लेवल पे भी जितनी भी सोशल मीडिया का जो एजेंसी है, कंट्रोलिंग अथॉरिटीज, उनके साथ भी बैठक किया जाएगा। और जिले लेवल पे भी ये लोग भी अपने अपने लेवल पे उसको नियंत्रित रखा जाएगा, नहीं तो उसमें संबंधित धाराओं के तहत जो भी उल्लंघन करेगा, पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट हो और जो IPC धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा यदि कोई उल्लंघन करता पाया जाएगा। कोई भी व्यक्ति हो सर, हर एक व्यक्ति को भाई अपनी अपनी मर्यादा और जिनके लिए जो विभिन्न पीपुल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट की जो प्रोविजंस है या IPC की प्रोविजंस है उसके ध्यान में रखते हुए और भारत निर्वाचन आयोग के जो गाइडलाइंस है उसको ध्यान में रखते हुए सभी लोगों को काम करना पड़ेगा।